हिंदुओं की आस्था का केंद्र और चार धामों में सबसे पुराना धाम है जगन्नाथ धाम, जिसका जिक्र स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। उड़ीसा के पुरी शहर का जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यहाँ हर साल आषाढ़ के खास महीने में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। कहते कि इस मंदिर को 12वीं सदी में कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोल गंगदेव ने बनवाया था और फिर उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव के शासक काल में इसे मौजूदा आकार मिला और एक ऐसा मंदिर का निर्माण हुआ जिसकी बनावट आज भी हर किसी को हैरान कर देती है। अब बात करते हैं मंदिर के उन चमत्कारों की जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। जगन्नाथ मंदिर के गुम्बद पर लगे इस झंडे को देखिए। दिखने में, लहराने में भले ही यह एक सामान्य झंडा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दुनिया का पहला ऐसा झंडा है जो हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है यह जानने की कोशिश आज तक कई वैज्ञानिकों ने की, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं मिला। यह झंडा इतना भव्य है कि यह इस शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। आमतौर पर हर मंदिर के गुंबद पर पक्षी तो दिखते ही होंगे, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस गुंबद के ऊपर या आसपास कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा और सैकड़ों सालों से आज तक इस गुंबद पर कभी किसी को कोई पक्षी बैठा भी नहीं दिखाई दिया। मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान आज तक नहीं गुजर पाया। विमान उस क्षेत्र में आता है लेकिन ठीक इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजर सकता। ऐसा क्यों है ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता और कोई इस मंदिर के ऊपर से गुजरने वाले विमान का रास्ता अपने आप बदल जाता है। यह मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और इसकी ऊंचाई 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसके गुंबद को देख पाना असंभव है और इस मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय किसी भी दिशा में दिखाई नहीं देती। इस मंदिर के गुंबद पर लगा सुदर्शन चक्र अष्ट धातु से बना है और शहर के किसी भी हिस्से से आप इस सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। मंदिर का यह महाचमत्कार हैरान कर देने वाला है। यहाँ रोजाना लाखों लोगों का खाना बनाया जाता है। हजारों सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस रसोई में मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकता है और इस महाप्रसाद में रोजाना 800 लोग मिलकर इस भोजन को तैयार करते हैं। यहाँ पकाया जाने वाला प्रसाद 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि ऊपर के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है जबकि सबसे तेज आँच सबसे नीचे वाले बर्तन में होती है। ये कैसे और क्यों होता है इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। जरा सोचिए कि 10 से 20 फीट की दीवार पर सीधे चढ़ने के ख्याल से भी हम डर जाते हैं, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर में गुंबद का झंडा बदलने वाला शख्स हर रोज 214 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ता है और वो भी उल्टा। जी हाँ, हजारों साल से चली आ रही मान्यता के अनुसार उल्टा चढ़कर ही इस मंदिर का झंडा बदला जाता है। आमतौर पर दिन के वक्त हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है और शाम के दौरान जमीन से समुद्र की तरफ, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ठीक इसका उल्टा होता है और इसके पीछे का कारण कोई नहीं जान पाया। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के करीब है, इसलिए समुद्र की लहरों की आवाजें मंदिर में सुनाई देती हैं। मंदिर का यह सिंह द्वार सबसे रहस्यमय है। जैसे ही आप सिंह द्वार में दाखिल होंगे आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाएगी, लेकिन आप जैसे ही इस द्वार को पार करके अंदर दाखिल हो जाएंगे आपको लहरों की आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगेगी। यह राज क्या है इसे आज तक कोई नहीं जान पाया। एक राज यह भी है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ की हर साल रथ यात्रा निकलती है और उस दिन बारिश होती ही है। सदियों से लोगों ने यहाँ कोई भी साल ऐसा नहीं देखा जब इस दिन आसमान सूखा रह गया हो। अब इन सारी बातों को चमत्कार कहा जाए या कुछ और, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के यह चमत्कार आज तक सभी के लिए एक पहेली है। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।